नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश भर में एक ही मामले की चर्चा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। पूरा देश मर्माहत है क्योंकि इस मामले की जांच ठीक से मुंबई पुलिस नहीं कर रही है, और पटना पुलिस जब मामले की जांच करने गई तो उसकी जांच में अड़ंगा लगा दिया। एक IPS अधिकारी विनय तिवारी को अब तक BMC ने क्वारंटाइन के बहाने हाउस अरेस्ट करके रखा है, और बिहार की जो 4 अधिकारियों की टीम पहले गई थी वो किसी तरह से अपनी जांच पूरी करके वापस लौट आई है, क्योंकि अब तो ये मामला CBI को सौंप दिया गया है। CBI अब मामले की पड़ताल करेगी, लेकिन बिहार पुलिस के जो अधिकारी गए थे वो खाली हाथ नहीं लौटे हैं। मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं जो CBI की जांच में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। आज पटना लौटी 4 पुलिस अधिकारियों की टीम, और उसने कहा कि असहयोग के बावजूद, मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की है, बैंक के अधिकारियों से पूछताछ की है, और कई डिटेल्स भी उन्होंने खोज निकाले हैं। तो बहुत बड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं सुशांत की मौत से जुड़े हुए मामले की, और ये सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं CBI की। तो अब बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कह दिया है कि जो भी बिहार पुलिस के पास साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य हाथ लगे हैं, वो सारे साक्ष्य CBI को सौंप दिए जाएंगे, और आगे भी CBI को अगर जांच में सहयोग की जरूरत होगी तो बिहार पुलिस उसकी मदद करेगी। तो CBI जांच का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ देर में CBI FIR करके अपने साइट पर उस FIR की कॉपी को डाउनलोड भी अपलोड भी कर देगी, कोई भी देख सकता है। यानी CBI बहुत तेज़ी से इस मामले का अनुसंधान करने वाली है। पटना पुलिस अब तक जुटाए गए सबूतों की फाइल तैयार कर चुकी है, और जांच से जुड़े सभी कागजात को ध्यान से देखा जा रहा है, और उसके बाद CBI को सौंपा जाएगा। वैसे 3 दिन के अंदर ही महाराष्ट्र पुलिस को और बिहार पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है, तो बिहार पुलिस की रिपोर्ट अब तैयार हो जाएगी कल तक, और परसों सबमिट भी हो जाएगी। DGP श्री गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई गई टीम को बुला लिया है, और ये टीम आ गई है, और टीम जो गई थी वो अपना काम करने में काफ़ी कामयाब रही है। अब तक 12 लोगों से इस टीम ने पूछताछ की है, जिसमें कई अहम सबूत मिले हैं। 27 जुलाई को मुंबई पहुंची थी पटना पुलिस के 4 अधिकारियों की टीम, और सुशांत की बहन से बात कर चुकी है, अंकिता लोखंडे से बात कर चुकी है, फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और रूमी जाफरी से बात कर चुकी है, नौकर नीरज से बात कर चुकी है, गार्ड कुक दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी समेत करीब 12 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने सुशांत के मोबाइल की CDR रिपोर्ट भी ले लिया है, और बैंक स्टेटमेंट सहित कई सबूत भी जुटा लिया है। तो तमाम अड़चनों के बावजूद बिहार पुलिस ने कमाल कर दिखाया है, और सुशांत केस से जुड़े हुए साक्ष्यों को जुटाने में कामयाबी हासिल की है। पटना पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, जब पटना पुलिस मलाड में सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत मामले में संबंधित थाने से जांच से जुड़ी फाइल मांगी, तो बताया गया कि सब कंप्यूटर से डिलीट हो गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो जब तक पटना पुलिस सुशांत मामले की जांच कर रही थी, तब तक मुंबई पुलिस उतनी बेचैन नहीं दिखी जितनी दिशा मामले की जाँच शुरू करने पर वो बेचैन हो गई। यानी दिशा की जो मौत हुई है उससे सुशांत की हत्या के तार जुड़े हुए हैं, और दिशा की मौत आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि उसी मामले में जब पटना पुलिस ने हाथ डाला तो मुंबई पुलिस बौखला गई। जब तक सुशांत के मामले की जांच कर रही थी पटना पुलिस, मुंबई पुलिस शांत थी, लेकिन जैसे ही दिशा की तरफ उसकी जांच बढ़ी, मुंबई पुलिस आपे से बाहर हो गई और अपराधियों जैसा बर्ताव बिहार पुलिस की टीम के साथ करने लगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, 12 लोगों का बयान बिहार पुलिस ने दर्ज करा लिया था, जो भी जरूरी कागजात थे वो जुटा लिया था। हालांकि सहयोग मिलता तो संभव था कि 15-20 दिन के अंदर ही इस मामले का अनुसंधान पूरा हो जाता, लेकिन मुंबई पुलिस के अड़चन की वजह से काम अधूरा रह गया। लेकिन अब इसे पूरा करेगी CBI। और DGP के अनुसार जो IPS अधिकारी मुंबई में क्वारंटीन के बहाने हाउस अरेस्ट किए गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए जरूरत होगी तो कल पुलिस कोर्ट जा सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले लोगों को कि दिशा सन्याल की मौत का मामला सीधे जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। जब तक दिशा सन्याल
की मौत की रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक सुशांत के हत्यारों का पता लगाना मुश्किल है। और यही बात बिहार पुलिस शुरू से कहती रही है और यही बात महाराष्ट्र पुलिस को नगवार गुजर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने दिशा की फाइल बंद कर दी है, जांच पूरी भी कर ली और फाइल डिलीट भी कर दी। ये कैसी जांच है? तो पूरा देश अविश्वास की नज़र से देख रहा है महाराष्ट्र पुलिस को, जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल मानी जाती है। ये बहुत दुखद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि राजनीतिक दबाव में पुलिस अपनी वर्षों की कमाई जो है प्रतिष्ठा है उसे गंवा चुकी है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा।